हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बी ए प्रोग्रामर में। तो आज इतनी सही अपॉर्चुनिटी आई है जो कि कॉग्निजेंट में आई है, और जो भी आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, आप अपने सपोज बीएससी बैकग्राउंड से हैं, साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हो, डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। टू टाइप्स के रोल हैं, दोनों रोल्स के बारे में डिस्कस करेंगे आज। अभी स्क्रीन पर जाएंगे, सारा कुछ देखने वाले स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। तो अभी वीडियो को लाइक कर देना, बिकॉज आज ही अपॉर्चुनिटी आई है, आज ही हम लोग ये बता रहे हैं आपको। तो आप लोग जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना जिसके साथ शेयर कर सकते हो, जिसकी हेल्प हो, ठीक है। और मैंने एक रेज्यूमे के ऊपर वीडियो डाल दी है, जो कि गूगल के बंदे के साथ मैंने वीडियो बनाई है, ठीक है। वो गूगल में बंदा है, उसने काफी चीजें बताई हैं, रेज्यूम रिव्यू किया है कई लोगों का, उसमें लाइव दिखाया क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो उससे आपको काफी हेल्प होगा। करियर गाइडेंस सेक्शन में आप जाओगे मेरे प्लेलिस्ट में, वहां पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा। बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा, बिकॉज रेज्यूमे इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलते हैं अभी अपनी स्क्रीन पे और सारी एलिजिबिलिटी के साथ सब कुछ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। चलो चलते हैं। तो हाँ, हम लोग स्क्रीन पे आ चुके हैं, जैसे कि देख पा रहे हो, ये मेन रिक्रूटमेंट है, दैट इज फॉर द आर्ट्स एंड साइंस ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई ये ऐसे फोटो टाइप का है, जैसे कि देख पा रहे हो, ये एक टाइप का बैनर है, बट ये एक जेन्युइन है, ठीक है, बिकॉज ये एमकैट के थ्रू हो रहा है। और मोस्टली कॉग्निजेंट क्या करती है, मोस्टली ड्राइव्स इसी एमकैट के थ्रू ही होते हैं। एमकैट पे इसका एप्टीट्यूड होता है, उसके बाद आगे का प्रोसेस होता है। तो एमकैट का पैटर्न जो होता है ना, वो एक तरह से कॉमन होता है। एमकैट के एप्टीट्यूड मेन होता है एप्टीट्यूड सेक्शन के लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है, वो जल्दी वीडियो आने वाली है चैनल पे, मैं लग गया हूं उस वीडियो में, जल्दी आएगी वो वीडियो, और उस वीडियो से आपको काफी कुछ मिलेगा, बिकॉज एमकैट का बहुत ज्यादा बहुत सी कंपनीज जो एमकैट के थ्रू करवाती हैं, तो उसमें आपको काफी कुछ मिलेगा। जैसे विप्रो भी एमकैट के थ्रू करवाती है, कॉग्निजेंट एमकैट के थ्रू करवाती है, माइंडट्री एमकैट के थ्रू करवाती है, तो उससे आपको काफी चीजें पता चलेगी। पहली चीज हम देख लें एलिजिबिलिटी के थ्रू, यहां पे दो तरह के रोल है। पहला रोल है ये वाला, दैट इज आईटी प्रोग्रामर ट्रेनिंग, ठीक है। तो यहां पे मेन चीज मेंशन है, जो मैं अपनी वेबसाइट पे थोड़ा साफ तरीके से, थोड़ी अच्छे तरीके से लिख के दे दूंगा, बिकॉज आई डोंट नो व्हाई ऐसा वेबसाइट, पहली बार मैंने देखा है कि हां कॉग्निजेंट मतलब एमकैट ने कॉग्निजेंट के साथ कोलैबोरेट करके ऐसी वेबसाइट ऐसे करके उन्होंने लिखा है, ठीक है। तो पहली चीज तो 19 और 20 ग्रेजुएट्स, दैट इज फ्रॉम 19 एंड 20 ग्रेजुएट्स है ऑफ बीसीए एंड बीएससी स्टूडेंट्स ऑफ आईटी, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, ये सारी जो पी क्या नाम है यूजी कोर्सेज है वो एलिजिबल है। यहाँ पे साफ साफ मेंशनड है दैट पीजी कोर्सेज आर नॉट एलिजिबल। अगर आप एक पीजी कोर्स है तो आप एलिजिबल नहीं हो, अप्लाई नहीं कर सकते हो, इस चीज़ का ध्यान रखना। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे देखो एक चीज़ मेंशनड है, दैट इज क्या नाम है, कंसिस्टेंट रिकॉर्ड, दैट इज बहुत लोग कहते हो मेरा 60% से कम है, क्या मैं किसी कंपनी में अप्लाई कर सकता हूँ, क्या मैं किसी एमएनसी में अप्लाई कर सकता हूँ। हाँ, आप अप्लाई कर सकते हो। कॉग्निजेंट का मैंने बहुत बार बताया है, कॉग्निजेंट अलाउ करती है, अगर आपका 50% के आसपास है, 50% मिनिमम है, तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आपका डिप्लोमा में यूजी में 10th में 12th में 50% से मिनिमम या उससे ऊपर होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग, नो स्टैंडिंग एरियाज, दैट इज कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए, आपका सारे सब्जेक्ट क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट थिंग, मैक्सिमम ऑफ 2 years ऑफ गैप इन, मतलब कि आपका 10th 12th के बीच में या 12th और ग्रेजुएशन के बीच में मैक्सिमम 2 साल का ही गैप होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। नेक्स्ट थिंग, ओनली इंडियन नेशनल्स आर ओनली, मतलब आप केवल इंडियन नेशनल्स हो तभी आप अप्लाई कर सकते हो, किसी और कंट्री का नहीं। और फ्लेक्सिबल टू रियल, मतलब ये तो कंपनी के बिजनेस रिक्वायरमेंट को पता हो, बोलती है वो नाइट शिफ्ट आपको करना, तो नाइट शिफ्ट करना पड़ता है, तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी एलिजिबिलिटी है जो पहले रोल की है, और मेन आपका प्रोग्राम है ट्रेनिंग होने वाला, और सिलेबस आपकी सैलरी दोनों में सेम है, दैट इज 2.52 LPA, ठीक है, 2.52 LPA। तो ये सारी चीजें, और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस देखो, पहले एक ऑनलाइन असेसमेंट होगा, ऑनलाइन असेसमेंट होने वाला है जिसमें आपका पूरा एप्टीट्यूड सेक्शन टाइप का होगा, और उसके बाद उसका वर्चुअल इंटरव्यू होने वाला है। वर्चुअल इंटरव्यूज में आपका गया टेक्निकल राउंड, उसके बाद हो गया एचआर राउंड, ये सारे राउंड्स है, उसका मैं एक डिटेल्ड वीडियो जल्दी बनाने वाला हूं पूरे प्रोसेस का क्या होता है, ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होने वाला है कि मेनली आपको आईटी प्रोग्रामर हो तो क्या करना है, डिस्प्ले ट्रेट्स ऑफ द सेल्फ डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी, इंक्लाइन टू द सेल्फ लर्न एंड टेक्नोलॉजीज कंट्रीब्यूट टू द सपोज आप एक आईटी प्रोग्रामर हो, यहाँ पे क्या मेंशन है, प्रोग्रामर ट्रेनिंग, ठीक है। तो प्रोग्रामर ट्रेनिंग मेनली क्या होता है कि इन कॉग्निजेंट क्या होता है कि जैसे अंडरस्टैंड द इंडस्ट्री बिजनेस मॉडल एंड इट्स रोल ओवर टाइम स्कीम्स, मतलब आप एक असिस्टेंट, मतलब फ्रेशर्स क्या होते हैं ना, फ्रेशर्स एक जब घुसता है एक कंपनी में, एक एमएनसी में, तो एक टीम में काम करता है, ठीक है। तो टीम में एक्सपीरियंस पीपल भी होते हैं, नॉर्मल भी होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा फ्रेशर भी होते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी होता है, तो उनसे आप लोग सीखोगे। ये स्टार्टिंग का एक रोल है एसोसिएट टाइप का, फिर ऐसे 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 बढ़ेगा, ठीक है, मेन चीज ये है। नेक्स्ट थिंग, मेन मैंने स्टार्ट में बता दिया, नेक्स्ट आपका रोल है, दैट इज फॉर द सीआईएस ग्रेजुएट ट्रेनिंग। इसमें कौन कौन एलिजिबल है, इसमें आर्ट्स वाले और साइंस के यूजी कोर्सेज फ्रॉम 20 और 19 ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल, और पीजी वाले नहीं अप्लाई कर सकते, ये बस ग्रेजुएट्स के लिए, ठीक है। तो ये चीज दिमाग में रखना कि बस ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते
सकते हैं। नेक्स्ट थिंग कि कंसिस्टेंट एकेडमिक रिकॉर्ड्स, ठीक है, आपका वही 50% मिनिमम होना चाहिए, उससे कम नहीं अप्लाई कर सकते, 50% मिनिमम रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट थिंग नो एरियाज, मतलब कोई बैकलॉग नहीं, मेन वही चीजें हैं। और ग्रेजुएट ट्रेनिंग का पोस्ट होने वाला, सिलेक्शन प्रोसेस सेम है, जिसका मैं फुल वीडियो बनाने वाला हूं, ठीक है। मेन आपको क्या करना है, ग्रेजुएट ट्रेनिंग अगर आप हो तो ये पढ़ सकते हो, और मैं अपनी वेबसाइट पे भी मेंशन कर दूंगा एक सरल भाषा में, एक सिंपल भाषा में, जिससे आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा। मेन चीज क्या है कि टू असेस द प्रॉब्लम्स ऑफ द इश्यूज ऑफ द आईटी रिक्रूटमेंट रिक्वायरमेंट्स एंड एप्लीकेशन टू हेल्प द रिजॉल्व्स अप, मतलब सपोज देयर इज आईटी बैकग्राउंड प्रोग्राम, ग्रेजुएट ट्रेनिंग क्या करता है, सपोज मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, सपोज कंपनी में मेरे को कोई इशू आया, तब मैं इनको पहुंचूंगा, ग्रेजुएट आपको पहुंचूंगा, ग्रेजुएट ट्रेनिंग को, और वो प्रॉब्लम आपको आईटी वाली प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। दैट इज द मेन थिंग यू नीड टू डू, ठीक है। इंस्टॉलिंग एंड अपग्रेडिंग सॉफ्टवेयर, ट्रबल शूटिंग, बेसिक इशूज, ये सारी चीजें आपको करनी होती है। 24/7 की शिफ्ट होती है, तो डिपेंड करता है आपको डे शिफ्ट मिलने वाली है, आपको नाइट शिफ्ट मिलने वाली है, उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट थिंग यहां पे कैसे अप्लाई करना, रजिस्टर नाउ पे क्लिक करोगे, यहां पे भी क्लिक कर सकते हो, और ऊपर ही बटन है, तो जितने भी आपके मैंने बताया वो सारा अगर आपका क्लियर है, मतलब एलिजिबिलिटी क्लियर है, तभी अप्लाई करना, उससे पहले मत अप्लाई करना। तो बेसिक मैं बता देता हूं कैसे अप्लाई करना है, बहुत ईजी, थोड़ा सा डिटेल फॉर्म है, बहुत ईजी फॉर्म होता है, ठीक है। मेन चीज क्या है, पहले आईटी प्रोग्राम कौन से रोल के लिए जाना चाहते हो, तो एक रोल आपको चूज करना है। सपोज मैं बीसीए से हूं तो मैं आईटी प्रोग्राम में चूज करूंगा, मैं आर्ट्स से हूं तो मैं सीआईएस ग्रेजुएट चूज करूंगा, ठीक है। लास्ट नेम मेरा, लास्ट नेम क्या है मेरा, श्रीवास्तवा, ठीक है। फर्स्ट नेम क्या है मेरा, अनुराग, ठीक है। ऐसे करके फॉर्म भरना है, और फिर मेल चूज कर दोगे, फिर यहाँ पे नंबर चूज कर दोगे। नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इन सब पे आपका नंबर, मेल आईडी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसी पे आपका सारे टेस्ट के जो रिक्वायरमेंट्स है सब कुछ इसी पे आने वाले हैं। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा ध्यान से भरना, बिकॉज What happens ना, लोग सही से भरते नहीं हो, फिर कहते हो कि सर मैं एडिट कर सकता हूं क्या। ये देखो थर्ड पार्टी साइट है एक तरह से, एमकैट की, ठीक है, तो Cognizant की साइट नहीं है, थर्ड पार्टी साइट है, तो आप एडिट बाद में हो सकता है ना कर सको। तो ध्यान से फॉर्म भरना, इतना जल्दी क्या है यार, आराम से भरो, और ये सारी चीजें भर दोगे ना, ये सारी चीजें सबमिट करोगे, इतना मैं नहीं बता रहा हूं, बिकॉज क्या जरूरत है टाइम वेस्ट करेंगे। आप ऐसा कोई सेक्शन तो है नहीं जिसमें आप लोग यहाँ पे नो स्टैंडिंग नंबर ऑफ स्टैंडिंग एरियाज बैकलॉग्स का नंबर पूछा है, बट एलिजिबिलिटी मेंशन है कि जीरो बैकलॉग चाहिए, तो यहाँ पे कोई भी बैकलॉग अगर आप आया है तो नहीं अप्लाई कर सकते, एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, यही सारी चीज़ें जो मैं बताना चाहता था। और आप तो आज सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक दोनों रोल्स के बारे में बताया, क्या क्या रोल्स हैं, क्या क्या डिफरेंस है, कि कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन नहीं एलिजिबल है, और क्या क्या चीज़ें आपको करनी हो। तो एक डिटेल्ड वीडियो आने वाली है एमकैट के लिए, प्रिपरेशन कैसे करें, जो कि बहुत लोगों ने बोल रहे थे, डिमांड कर रहे थे ऐसी वीडियो लेकर, और डेफिनेटली लेके आएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं। आपको बस क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन दबाना है, ताकि ऐसी वीडियोस आपको रेगुलर मिलते रहे, ऐसे नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहे। आज ही नोटिफिकेशन आउट हुई है, आज ही आपको वीडियो मिल गई है, सो दैट वाज इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ। अब चलते हैं, थोड़ा काम करते हैं, और आपको ऐसी वीडियोज लाने के लिए तैयारी करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।